मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में प्राकृतिक आपदा किसानों पर कहर बनकर टूटी है। यहां केले की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो रही है। मामला लालबाग क्षेत्र के चिंचाला का है, जहां नासिर खान किसान ने 4 एकड़ जमीन पर केले की फसल लगाई थी, लेकिन सीएमवी वायरस के प्रकोप से किसान की 70% फसल बर्बाद हो गई। किसान ने फसल उखाड़ कर फेंक दी। अब किसान ने शासन प्रशासन से उचित मुआवजे की मांग की है, साथ ही अन्य किसानों की फसल बर्बाद न हो इसके लिए प्रशासन किसानों की बैठक लेकर उन्हें उचित मार्गदर्शन दे। इसी मामले में विधायक अर्चना चिटनिस से किसानों ने मुलाकात कर उचित मार्गदर्शन देने की बात कही। वहीं विधायक अर्चना चिटनिस ने कहा कि शासन स्तर पर सीएमवी वायरस को पिछले वर्ष ही प्राकृतिक आपदा में शामिल किया जा चुका है। किसानों को सही मार्गदर्शन मिले और किसान इस आपदा से कैसे बचे इसके लिए एक बैठक बुलाकर उन्हें समझाइश दी जाएगी। सीएमवी एक वायरस होता है जो इनके खेत में आ चुका है और इनका निरीक्षण, इन्होंने जो डॉक्टर है इनके जैसे ये बीज लेते हैं उसके निरीक्षण से इनको पता चला कि वायरस बहुत खतरनाक है। अगर आपने आपकी फसल को नहीं तोड़ा तो ये आजू बाजू भी नुकसान पहुंचा सकता है। कलेक्टर मैडम, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इसके तहसीलदार द्वारा इसका निरीक्षण किया जाए और जो शहर के विधायक है और जो अपने सांसद जी महोदय है तो हमारी आवाज़ उनकी आवाज़ के जरिए राज्य सरकार तक भी पहुँचा जाए कि जो खेत वालों को नुकसान हो रहा है उसका कुछ ना कुछ इनका रास्ता निकाल के इनको जो उम्मीद दिखाया जाए, क्योंकि ये बहुत निराश हो चुके हैं क्योंकि इनका बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। 5400 है, जैन का रोप है, ऑनलाइन बिल है और मल्चिंग भी डाला था मैंने 70,000 रुपये की, 3.5-4 लाख का खर्चा है और 3.5 महीने की फसल हो चुकी थी। आजू बाजू वाले भी आए थे हमारे पास में कि भाई 75% ये बीमारी हो गई है तुम्हारे खेत में, इसको निकाल दिया जाए ना तो हम भी मर जाएंगे आजू बाजू वाले, ये वायरस अच्छा नहीं होता है। फिर हम जिससे ट्रीटमेंट करते दवाई लाते उसका भी कहना पड़ा कि 75% हो गई है ये, या आप पूरा खेत को साफ कर दो जल्दी से और दूर नाले में फेंक कर आ जाओ, आस पास रखना मत बीज को, पौधे को, पूरे पौधे को नाले में फेंकना पड़ेगा, पास आजू बाजू नहीं रख सकते, वो बीमारी फैल जाती है। ये सच में एक किसानों के लिए दृष्टि से देखें तो बहुत बड़ी समस्या है और विगत दिनों में सीएमवी वायरस को मध्य प्रदेश शासन की ओर से प्रयास कर इसे प्राकृतिक आपदा में उसको जुड़वाया गया था और उस समय जिन किसानों का सीएमवी वायरस में नुकसान हुआ उन्हें इसका मुआवजा भी प्राप्त हुआ है। और अभी अभी मेरे पास कुछ किसान आके भी गए हैं, अखबारों में भी कुछ खबरें पिछले 1 हफ्ते से चल रही है। जिस किसी के भी किसान का नुकसान सीएमवी वायरस से होगा, मैं भी जिला प्रशासन से बात करकर उनके खेत में संबंधित अधिकारियों को भेजकर, राजस्व अधिकारियों को भेजकर, हॉर्टिकल्चर के अफसरों को, जमीनी अमले को भेजकर इसका सर्वे करवाएंगे और उन्हें जो भी संभव सहायता है RBC 6-4 के अंतर्गत उन्हें प्राप्त हो इससे मैं सुनिश्चित करूंगी।